पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा दिए गए निर्देश के तहत ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने ऑटो से गांजा बरामद किया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर नागपुर शहर में चल रहे ऑल आउट ऑपरेशन के तहत पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 3 इनके मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई, जिस दौरान पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सुलेमान वल मोहम्मद जफर, आरोपी योगेश सुदरन नेता और आरोपी खलील खान वल हबीब खान को अपने ताबे में लिया और उनसे 4 किलो 600 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 46,000 व नकदी और मोबाइल ऑटो समेत कुल 1,29,120 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 23/7/2021 और 24/7/2021 के रात माननीय पुलिस आयुक्त इन्होंने शहर के सभी सीनियर पे को निर्देशित किया कि ऑल आउट ऑपरेशन चालू करो और उसके अंतर्गत जितने भी क्रिमिनल है उनको चेकिंग करके उन पर कार्रवाई करो। ऑपरेशन ऑल आउट अंतर्गत तहसील में हमने भगवागढ़ और मोहिंदुरा चौक में हमारे पूरे अधिकारी कर्मचारी के साथ नाकाबंदी किए। नाकाबंदी के दरमियान भगवागढ़ में एक सस्पेक्टेड ऑटो हमको सी ए रोड से मोहिंदुरा चौक के तरफ जाते हुए देखा, तो ऑटो को हमने रोक दिया और ऑटो की जब पूरे चेकिंग किए तो ऑटो के पिछले हिस्से में गांजा के 3 बैग हमको मिले, जिसमें करीब 4 किलो 600 ग्राम गांजा था जो करीब 46,000 रुपये का था। पूछताछ करने के बाद उसमें आरोपी मोहम्मद सुलेमान वल्द मोहम्मद जफर, उम्र 58 साल, मुकाम मोटा ताकबाग, पीएस सक्करदरा। दूसरा आरोपी योगेश कुमार सुंदरम नेताम, उम्र 18 साल, मुकाम भतरावाला, तालुका फरसगांव, जिला कोंडगांव, छत्तीसगढ़। और तीसरा आरोपी हबीब मोहम्मद खलील वल्द हबीब खान, उम्र 43, मुकाम लंजोड़ा, तालुका फरसगांव, जिला कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ये थे इन्होंने आरोपी यूपी से लाया था और वो चिल्लर बिक्री करने के लिए मोहिंदपुरा में आए थे। उनको घर दबोच लिए और कायदेसर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन तहसील के अंतर्गत अपराध नंबर 681/2021 NDPS के अंतर्गत गुन्हा दर्ज करके। वही ऑपरेशन ऑल आउट अंतर्गत तहसील पुलिस ने हत्या कायदा के तहत 3 मामले दर्ज किए और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत पुलिस ने 22 मोटरसाइकिल और 10 चार पहिया वाहन जब्त किए। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।